वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ आपकी फ्रेंड वर्षा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के थ्योरी क्लासेस के जो कि हमारा आज का सेकंड चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा उसको देखने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आप उनको भी ईजिली कर पाएंगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स या शेयर कीजिए किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएगा देखिए सेकंड चैप्टर है हमारा अंतिम खाते से रिलेटेड तो हम जान uh, देखते हैं अंतिम खाता क्या होता है देखिए अंतिम खाते नाम से यहाँ पे पता चल रहा है अंतिम खाते यानी कि जो लास्ट में बनाए जाते हैं यानी कि बिल्कुल आ, सारे खाते खत्म बनाने के बाद हम जो खाते बना रहे हैं यानी इसका प्रिपरेशन क्या होगा एकदम अंत में होगा जो हमारा टाइम पीरियड हम लेके चल रहे हैं उस टाइम पीरियड में बिल्कुल लास्ट में प्रिपेयर किए जाएंगे अंतिम खातों से आशय ऐसे खातों एवं विवरण पत्रों से है जिनसे व्यापारिक अवधि की समाप्ति वही जो आपने टाइम पीरियड लेके चला है मोस्टली फाइनेंशियल और ईयर होता है लेकिन अगर कोई भी बिजनेसमैन फाइनेंशियल ईयर को ना मान के वो कोई और ईयर मानता है जैसे कि कई पर्सन एक फेस्टिवल ले, ले लेते हैं उस फेस्टिवल पर अपने क्लोज करते हैं अकाउंट तो वो उनके अकॉर्डिंग कोई भी हो सकता है तो वो अवधि की समाप्ति पर व्यवसाय के लाभ हानि और स्थिति को जानने के लिए जो प्रिपेयर किए जाते हैं उनको हम अंतिम खाते कहते हैं और इसको वित्तीय विवरण भी कहते हैं वित्तीय विवरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वित्तीय स्थिति बताता है यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन बताता है हमें खातों में लिखना व शेष निकालने की प्रक्रिया कहलाती है यानी कि इसमें हम लिखने और साथ में शेष निकालने की टोटल हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ बच्चा है ये सब कहलाता है हमारा संक्षिप्तीकरण यानी कि शॉर्ट हम इसमें लिखते हैं खाते अंतिम खातों की बात करें तो ये तीन तरह के होते हैं यानी कि तीन भागों में डिवाइड होते हैं तीन पार्ट प्रिपेयर किए जाते हैं फर्स्ट होता है हमारा व्यापार खाता जिसमें हम सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी हमारे मटेरियल से बनाने से संबंधित होते हैं वो हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं और ये हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की इन्फॉर्मेशन देता है सेकेंड है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसमें हमारे मटीरियल बनाने के बाद के सारे एक्सपेंसेज इंक्लूड किए जाते हैं और इसके बनाने के बाद जो हमारे पास जो भी रिवेन्यू आएगा उसको इसके अंदर लिखते हैं ये हमें नेट प्रॉफ़िट और नेट लॉस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फिर है हमारा अंतिम चिट्ठा जिसको हम आर्थिक चिट्ठा भी बोलते हैं ये हमारा अकाउंट नहीं होता है ये एक स्टेटमेंट होता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमने जो भी बिजनेस किया है उसमें हमें एट द एंड ऑफ द ईयर हमारा प्रॉफिट निकल कर आया प्रॉफिट मतलब हमारा वहाँ पे बेनिफिट हुआ है हमारे असेट्स वहाँ पे ज़्यादा हैं या हमारे लाइबिलिटीज ज़्यादा हैं ठीक है थीके? तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार खाते की देखिए व्यापार खाता जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ये सकल हानि और सकल लाभ हमें बताता है इसको ज्ञात करने के लिए हम व्यापार खाता बनाते हैं माल की लागत मूल्य तथा बिक्री मूल्य के अंतर को दर्शाने के लिए ये तैयार किया जाता है जिसको हम व्यापार खाता बोलते हैं आ, एक डेफिनेशन ले लेते हैं जो कि जेआर आर बॉय ने दी है व्यापार खाता वह है जो माल के क्रय विक्रय का आर्थिक परिमाण दर्शाता है यानी कि माल का आपने कितना क्रय किया और वो माल कितना बिका इसका यहाँ पर एक रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है आपको इस खाते को बनाने में कार्यालय व्ययों को छोड़ दिया जाता है यानी कि कार्यालय व्यय क्यों छोड़े जाएंगे क्योंकि वो माल बनाने से डायरेक्टली

अमाउंट यहाँ पे डेबिट अमाउंट लिखा जाएगा ये पर्टिकुलर से और यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट वाला लिखा जाएगा सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे टू लिखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये क्या है ये हम अकाउंट बना रहे हैं और ये क्या है ये बैलेंसेस हैं ये फाइनल अभी क्लोजिंग नहीं है फाइनल क्लोजिंग पर हम टू और बाय नहीं लिखते आपने देखा होगा फाइनल क्लोजिंग क्या होती है बैलेंस शीट होती है उसके बाद और अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए जाते इसलिए उसमें टू और बाय नहीं लिखा जाता है टू और बाय इसलिए इसमें लिखा जाता है क्योंकि ये कहीं से फॉरवर्ड होकर आए हैं और आगे फॉरवर्ड करने हैं ठीक है ठीके? टू ओपनिंग स्टॉक यानी कि आप जब भी नया साल शुरू करते हैं तो उससे पहले आपके पास कुछ ना कुछ तो आपके स्टॉक में रखा होगा माल तो वो यहाँ पे इंक्लूड जाता है ऐसा नहीं है कि आपने जो इससे पहले वाला साल है उसमें सारा माल बेच दिया होगा कुछ ना कुछ आपका आधा या बिल्कुल कच्चा माल रखा होगा आपके गोडाउन में ठीक है इसलिए ओपनिंग स्टॉक होता है फिर परचेज यानी कि इस साल आपने कुछ ना कुछ खरीदा होगा और जो ख़रीदा होगा उसमें से कुछ ना कुछ रिटर्न भी किया होगा वैसे ज़रूरी नहीं है रिटर्न करा हो लेकिन अगर रिटर्न किया है तो यहाँ पे वो माइनस करके शो किया जाता है फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस डारेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर है जो जो है माल से संबंधित जैसे कि आप माल लेकर आए किसी भी पर्सन से तो आपने भाड़ा दिया उसको तो ये क्या हो गया कार्टेज तो ये माल से संबंधित है माल बनाने में यूज होगा क्योंकि जब तक आप भाड़ा नहीं देंगे जब तक माल नहीं आएगा और ना ही आप उसको फिर बना पाएंगे ठीक है तो यहाँ पर भाड़ा क्या हो गया वो डायरेक्ट पेंसिल में आ गया फिर आपने वेजेस दी वेजेस हमेशा डायरेक्ट इंक्लूड होती है क्योंकि वेजेस के साथ के बिना हम अपने माल को यानी कि वर्कर के बिना हम अपने माल को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं ठीक है फिर है कैरेज वही ढुलाई हो गया कि आप ढुलाई करवा के वो सारी चीज लेकर आए डायरेक्ट में आप यहाँ पर ये यह भी लिख सकते हैं कि उस माल को आ, उसकी पैकिंग कराने पैकिंग का मतलब यहाँ पर ये यह जब माल आप कच्चा लेकर आएंगे तो उसको ऐसे ही नहीं लेकर आएंगे उसको लोड करवाएंगे और या फिर उसको अच्छे से कि वो माल कुछ इस तरह का है कि आप उसको डायरेक्ट इस तरह नहीं ला सकते तो उसको अच्छे से पूरी तरीके से वो आपके बिज़नेस ऑफिस के अंदर सॉरी जो आपकी फैक्ट्री है उसके अंदर आ जाए तो कुछ ना कुछ आपने उसमें ख़र्चा किया ही होगा ठीक है फिर आता है फ्रेट यानी कि आप न, माल वहां से आपने ढुलवाया होगा गाड़ी पर चढ़वाया होगा तो वहां पे आपने भाड़ा दिया होगा वो भाड़ा आपको यहाँ पे लिखना है फिर है रेंट ऑन फैक्ट्री कोई भी रेंट आपने फैक्ट्री का दिया है तो वो फैक्ट्री क्या है माल बनाने संबंधित है क्योंकि फैक्ट्री में माल बनाया जाता है तो उसका रेंट भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसिज होता है इसलिए वो यहाँ लिखते हैं ठीक है थीके? अब यहाँ देख लीजिए ये हमारा सेल है और अगर कोई सेल्स रिटर्न होता है तो वो वहाँ पे माइनस करके दिखाया जाता है फिर क्लोजिंग स्टॉक यानी कि साल के अंत में कुछ ना कुछ तो माल आपके पास बचा ही होगा ऐसा नहीं है सारा माल बिक गया कुछ कच्चा माल बचा होगा कुछ बना हुआ माल रखा होगा आपके पास तो वो क्लोजिंग स्टॉक में दिखाया जाता है जब आप नया साल का प्रिपेयर करेंगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक तब क्या हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा ग्रॉस लॉस यानी कि जरूरी नहीं है ग्रॉस लॉस हो अगर यहाँ का अमाउंट ज़्यादा है तो ये ग्रॉस लॉस में शो करेगा और अगर यहाँ का अमाउंट ज़्यादा है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट में शो करेगा ठीक है इसके साथ देखिए गैस कोल और फ्यूल ये भी लगेगा हमारा माल बनाने में तो ये भी डायरेक्ट इसे संबंधित है इसलिए यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आपको ट्रेडिंग का पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा बहुत सिंपल है आप सब लोग ये सब चीज़ पहले से ही जानते होंगे आपका एक रिविज़न हो गया ठीक है हम आते हैं लाभानी खाता जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए बनाए जाने वाले खाते को ही लाभानी खाता कहते हैं ठीक है यानी कि इसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारी शुद्ध हानि और शुद्ध लाभ का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अब हम यहाँ पर इस अकाउंट के अंदर अब तक तो हमने ट्रेडिंग में जितने भी डायरेक्ट यानी कि बिल्कुल माल बनाने संबंधित थे उन व्ययों को लगाया था यानी कि उनको माइनस किया था अब यहाँ पर माल बनाने के बाद के जितने भी खर्चे होंगे उसको भी यहाँ पे माइनस किया जाता है तो यानी कि सारे खर्चों को माइनस करने के बाद हमारे पास जो भी बचेगा वो हमारा शुद्ध लाभ होगा या शुद्ध हानि होगा ठीक है इसमें व्यापार या संस्था के समस्त आगम आगम मतलब जो भी आय इनकम हुई एवं अप्रत्यक्ष व्ययों यानी को डेबिट दिखाया जाता है एवं अप्रत्यक्ष आय जो होती है उन्हें क्रेडिट दिखाया जाता है ठीक है सिंपल है यहाँ पर कार्टर की डेफिनेशन देखिए लावानी खाता है, एक ऐसा खाता है जिसमें समस्त आय तथा तो व्यय इस उद्देश्य से एक, एकत्रित किए जाते हैं जिससे आय की वैसे तथा व्यय की आय से अधिकता ज्ञात की जा सके यानी कि हमारे पास हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि अप्रत्यक्ष जो भी हमारे खर्चे थे वो ज़्यादा हुए या अप्रत्यक्ष आय हमारे पास ज़्यादा आई ठीक है ठीके? ये देखा जाता है अब इसका भी फॉर्मेट एक बार देख लीजिए फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा देखिए इसका जो फॉर्मेट होता है वो डायरेक्ट जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसके बाद ये प्रिपेयर किया जाता है इसको अलग से ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट उसी में ही इंक्लूड करके इसको बना दिया जाता है इंग्लिश वाली क्लास अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने आपको दोनों कंबाइंड करके भी दिखाए थे ठीक है जैसे कि अब आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो वो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ इस साइड दिखाता है डेबिट साइड में तो यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट साइड में और ग्रॉस लॉस था तो वो यहाँ पर आ जाएगा फॉरवर्ड होके हमारा ग्रॉस लॉस में ठीक है टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू ऑफिस रेंट अब ऑफिस रेंट माल से संबंधित नहीं है इसलिए इनडायरेक्ट हो गया स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग पोस्टेज एंड टेलीग्राम एंड बैंक चार्ज ये सब का संबंध हमारे माल से नहीं था इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है सेम उसी तरह से ट्रेडिंग इनकम नॉन ट्रेडिंग इनकम बाय डिस्काउंट रिसीट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये सारा भी हमारा माल से संबंधित नहीं है इसलिए यहाँ लिखा गया है फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा और भी एक्सपेंसेस होते हैं देखिए जैसे एडवर्टिजमेंट हो गया कमीशन बेड डेट पैकिंग सैंपल इंटरेस्ट अगर रिसीव हो रही है सॉरी हम, हमें देनी है डॉ खर्चा है हमारा डिस्काउंट हमने पे किया है रिपेयर है सैलरी है ये सब क्या आ जाएंगे हमारे खर्चे हैं उसके बाद नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस शो कर दिया जाएगा ठीक है अब देखिए व्यापार और खाता लाभानी खाता का ही एक अंग है सेम वही चीज़ है मैं यहाँ पर आपको के दिखा देती हूँ इस तरह वैसे तो आप सबको ही पता होगा देखो ऐसे ट्रेडिंग एंड पी एंडल अकाउंट ऐसे बनाया जाता है एक में ही ये पर्टिकुलर्स ये अमाउंट ये पर्टिकुलर्स ये अमाउंट यहाँ पे सारी ट्रेडिंग की चीजें आ गई ठीक है अब ये यहाँ पर इसका बैलेंस हो गया अब डायरेक्ट ये जो नीचे लाइन है इन्हीं को ही बड़ा करके इनको यहाँ पे अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी पी एंडल अकाउंट का लिख देते हैं यानी एक ही अकाउंट होता है ठीक है अलग से प्रिपेयर नहीं किया जाता ठीक है ठीके? जैसे ये देख लीजिए पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ये क्या था हमारा ये हमारा इतना क्या हो गया ट्रेडिंग का पार्ट हो गया लेकिन हमने इसको दूसरा नहीं बनाया हमने इसके बाद ही ये पीएनडल का पार्ट बना दिया ठीक है सबको पता होगा वैसे अब है हमारा आर्थिक चिट्ठा आर्थिक चिट्ठा व्या विवरण पत्र है जो व्यापारिक वर्ष की अंतिम तिथि को व्यापार की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए तैयार किया जाता है यानी कि वही स्टार्टिंग से मैं आपको बताते आ रही हूँ जो भी हमारे व्यापार की अंतिम तिथि होगी उस उसमें अंत में ये चिट्ठा तैयार किया जाता है ठीक है इसमें केवल व्यक्तिगत और वास्तविक खाते ही दिखाए जाते हैं व्यापार की पूर्ण रूप से सत्य स्थिति ज्ञात करने के लिए इसे स्थिति विवरण भी कहते हैं यानी कि स्थिति विवरण का मतलब यहाँ पर यह है पोजीशन स्टेटमेंट ठीक है इसमें संपत्तियों को पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाता है देखिए अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऋणीवादिता का सिद्धांत या अप्लाई होता है ऋणिवादिता का क्यों क्योंकि बाजार में अब उसकी मार्केट में जो भी वैल्यू हो उस पर ना दिखाकर यहाँ पर संपत्तियों का मूल्य किस पर दिखाया जाता है पुस्तक मूल्य पर यानी कि जो पहले से ही मेंशन है उस पर दिखाया जाएगा उसमें नहीं देखा जाता कि अब इसका प्राइस मार्केट में कितना है इसलिए यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि पुस्तक मूल्य पर दिखाया जाता है ठीक है अब पामर के डेफिनेशन देख लीजिए आर्टिक चिट्ठा एक ऐसा विवरण है जो एक निश्चित तारीख को एक और व्यापारी की संपत्तियों एवं अधिकारों तथा दूसरी और व्यापारी के दायित्वों को बताता है यानी कि एक साइड इसमें व्यापार की जितनी भी संपत्तियाँ हैं वो दिखाई जाती हैं दूसरी तरफ व्यापार के जितने भी दायित्व हैं भी वो दिखाए जाते हैं ठीक है उसके बाद पूरा ये ब्यौरा देता है कि हमारी कंपनी में की पोजीशन किस तरह की है वो अच्छा काम कर रही है या नहीं अब देखिए यहाँ पे आर्थिक चिट्ठे भी दो तरीके से बनाए जाते हैं एक बनाया जाता है तरलता के क्रम में तरलता मतलब लिक्विडिटी जो सबसे ज्यादा लिक्विड होगी चीट उसको सबसे ऊपर लिखा जाएगा और सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होने में टाइम लगेगा उसको नीचे लिखा जाएगा फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है कैश कैश को हम कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कैश तो ऑलरेडी कन्वर्ट है तो कैश सबसे ऊपर लिखा जाएगा फिर उसके बाद क्या आएगा बैंक क्योंकि बैंक में पैसा हमारा हम कभी भी जाएंगे तो हमें कैश में मिलेगा बैंक से आप कभी पैसा लेने जाते हो तो कभी ऐसा होता है क्या उन्होंने पैसे के बदले आपको कोई पेपर दे दिया कोई चेक दे दिया ऐसा तो नहीं होता ना आपको तुरंत मिल जाता है लेकिन इसमें कैश के मुकाबले कम थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आप बैंक कभी नहीं जा सकते फॉर एग्जाम्पल आपको रात को पैसे चाहिए बैंक नहीं जा सकते और अगर आप अब यहाँ ये कहोगे कि एटीएम है तो ज़रूरी नहीं है ये भी हो सकता है कि वो एटीएम आपके घर से दूर हो तो टाइम तो लगाना लिक्विड होने में या फिर ये भी हो सकता है आप उस ए में जाएं और वहाँ पर आपको पैसा ना मिले तो बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि जो जितना टाइम लेगा अब कैश के बाद और भी जैसे कि बिल्स बिल्स रिसिवेबल आप जाएंगे आपको मिल जाएंगे लेकिन जरूरी नहीं है आपको थोड़ी वहाँ पे फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं थोड़े पेपर सबमिट करने होते हैं तभी आपको वहाँ पे जो बिल है आपका वो वहाँ पे एक्सचेंज होता है ठीक है फिर है हमारा सेकंड स्थायित्व के क्रम में अब देख लीजिए क्या क्या होता है फर्स्ट पहले हम बात करते हैं तरलता यानी कि इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी तरलता के क्रम में दायित्व पक्ष को इस प्रकार दिखाया जाता है जैसे कि सबसे पहले चालू दायित्व यानी कि करंट लाइबिलिटीज स्थायी यानी कि फिक्स्ड लाइबिलिटीज उसके बाद पूंजी दिखाई जाएगी और संपत्ति पक्ष में क्या होता है सबसे पहले तरल संपत्ति है यानी कि तरल होता है हमारा करंट असेट्स और चल ये होता है हमारा तरल लिक्विड असेट्स हो, जाएंगे फिर हो जाएगा करंट असेट्स और ये हो जाएगी हमारे फिक्स्ड असेट्स ठीक है ऐसे देख लीजिए ये प्रारूप है देखिए करंट असेट्स आए हैं करंट में क्या आता है बैंक लोन बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसि इनकम ये सब क्या हैं ये करंट में क्यों लिखी गई हैं क्योंकि देखिए करंट का जो टाइम पीरियड होता है वो हमारा कैसा होता है लेस देन वन ईयर ठीक है लिक्विड एसेट्स जैसे कि मैंने बताया कैश इन हैंड कैश एट बैंक इन्वेस्टमेंट बिल्स रिसीवेबल ये सब क्या है लिक्विड है यानी कि ऑलरेडी लिक्विडेट है या फिर बहुत ही कम टाइम में ये नीचे वाली चीज़ें लिक्विडेट हो जाएंगी ठीक है फिर आता है हमारा फिक्स्ड लाइबिलिटीज़ अब इसके बाद देखिए फ्लोटिंग या करंट असेट्स अब करेंट असेट्स का मतलब यहाँ पर ये यह जैसे कि देखिए संड्री इनका टाइम पीरियड क्या होता है लेस देन वन ईयर ठीक है स्टॉक एंड ट्रेंड स्टॉक एंड स्टोर्स ऑफ पिपरेट यानी कि जो लाइबिलिटीज थी वन ईयर की वाली उनको हमें एक साल के अंदर पेमेंट करना है और इनका अमाउंट हमें एक साल के अंदर मिल जाएगा ठीक है अब ये कुछ और रह गई थी तो देख लीजिए रिजर्व एंड फंड है फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट लिखा जाएगा अगर आपने इंटरेस्ट दिया है तो वो यहाँ पे प्लस होगी नेट लॉस है तो माइनस हो जाएगा और ड्राइंग्स कोई निकाली है तो वो भी माइनस हो जाएंगे फिर आ जाएगा क्रूड इनकम फिक्स सेट्स में आ जाएंगे फर्नीचर्स पेटेंट्स मोटर व्हीकल्स और ये लैंड बिल्डिंग गुडविल तो इस तरह से बनाया जाता है ठीक है अब यहाँ पर स्थायित्व के क्रम में देख लीजिए यानी कि इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस कंपनी विधान के अनुसार स्थायित्व के क्रम को सर्वोच्चतम माना गया है यानी कि इस फॉर्मेट में कंपनी कम, विधान यानी कि कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग इसको सबसे अच्छा माना गया है इस क्रम के अनुसार दायित्व पक्ष को इस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है अब आप ये भी नोट कर लीजिए एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाते हैं वो कंपनी के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट माना गया है तो ये हो जाएगा हमारा पर्मानेंस वाला ठीक है पूंजी स्थायित्व दायित्व और चालू दायित्व एवं संपत्ति पक्ष को बात करें तो देखें यहाँ पर आ जाएगा स्थायी संपत्तियां चालू और चल संपत्तियां और तरल संपत्तियां ठीक है अब एक बार इसका प्रारूप भी देख लीजिए प्रारूप देखिए इस तरह से है लाइबिलिटीज अमाउंट असेट्स और अमाउंट तो देखिए सबसे पहले कैपिटल है अगर कोई नेट प्रॉफिट है तो प्लस होगा और इंटरेस्ट है तो वो भी प्लस हो जाएगी और नेट लॉस तो है तो माइनस एंड ड्राइंग्स माइनस ये ट्रीटमेंट तो आपको पता ही है फिर इसमें आ जाएगा गुडविल लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कि क्या हो जाता है रिवर्स हो जाता है इसमें पहले फिक्सड आती हैं और उसमें पहले क्या आती थी लिक्विड वाली चीजें आती थी यानी कि करंट वाली फिर फिक्स्ड यहाँ पे लाइब्रेटीज आ गई हैं ये रही फिक्स्ड लाइब्रिटीज फिर करंट लाइबिलिटीज इसमें करंट आ जाएगी और करंट करंट्स के बाद क्या आ जाएंगी हमारी लिक्विड ठीक है है सिंपल अधिकांश व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा आर्थिक चिट्ठा स्थायित्व के क्रम में ही बनाया जाता है तो ये याद कर लीजिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मोस्टली कौन सा फॉर्मेट यूज किया जाता है तो स्थायित्व वाला यूज किया जाता है परमानेंस वाला ठीक है ये छोटी छोटी चीजें याद रखिए एग्जाम में ये बहुत पूछी जाती है अब आते हैं समायोजनाएं योजनाएं है। अंतिम खाते तैयार करते समय कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनका पुस्तकों में लेखा बिल्कुल ही नहीं होता या अधूरा लेखा होता है यान देनो को लेखा पुस्तकों में समावेश करने को ही समाय कहते हैं व संबंधित प्रविष्टियां समायोजन प्रविष्टियां कहलाते हैं यानी कि आपने देखा होगा जब भी हम अंतिम खाता बनाते हैं तो कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं हमारे ठीक है तो ऐसा का लेखा बाद में क्या किया जाता है बाद में उनको ट्रीटमेंट उनका किया जाता है तो उसको लिख देते हैं हम नीचे उनको हम समायोजनाएं कहते हैं अब कुछ समायोजनाएं कौन कौन सी हैं वो देख लीजिए जैसे की अदत्व जिनका लाभ तो चालू वर्ष में ले लिया है परंतु भुगतान अंतिम तिथि तक ना किया गया है यानी कि अदत्वय का मतलब है आपने वर्कर से काम तो करवा लिया था लेकिन उनका पेमेंट नहीं किया है लास्ट डेट तक तो वो आपका क्या है अदत्वय में आएगा अब एडजस्टमेंट कैसा होता है डेबिट साइड जो पेंडल के डेबिट में है उनको तो ऐड कर देंगे डेबिट साइड में और लाइबिलिटी साइड में क्या बैलेंस शीट में लिख देंगे क्योंकि आपको ये पेमेंट क्या है आपके लिए लाइबिलिटी है असमाप्त वे ऐसे वे जिनका भुगतान चालू वर्ष में कर दिया है वह आगामी लाभ जो है वो हमें आगामी वर्ष में मिलेगा जो लाभ है यानी कि ऐसे पेमेंट जो आपने पहले से ही कर लिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने वर्कर्स को तीन महीने का एडवांस में पेमेंट कर दिया लेकिन उसका क्या है लाभ आपको बाद में मिलेगा क्योंकि सेवाएं तो उन्होंने अभी नहीं दी हैं तो वो हमारे पूर्व कहलाते हैं तो ये क्या है हमारे लिए लेस होंगे डेबिट साइड से जो कि पेंडल अकाउंट में है और ये हमारे लिए एक असेट की तरह है क्योंकि तीन महीने अब हम उनसे काम करवा सकते हैं क्योंकि हमने उनको पैसा पहले ही दे दिया है इसलिए ये हमारे लिए असेट है और बैलेंस शाइट में असेट साइड में दिखाया जाएगा जो भी अमाउंट होगा ठीक है फिर है हमारा उपार्जिताय ऐसी आय जो चालू वर्ष में कमा ली गई है परंतु प्राप्त नहीं हुई है सेम वही है आपने काम तो कर दिया लेकिन आपको पेमेंट नहीं मिला है तो ये क्या होगी क्रेडिट साइड में तो ऐड कर दी जाएगी पेन्डल में और असेट साइड यानी कि आपके लिए असेट है तो ये असेट साइड में दिखाई जाएगी फिर है हमारा अनुपार्जित या अग्रिम प्राप्त आय उसका रिवर्स यानी कि आपने रिसीव कर लिया लेकिन आपने काम नहीं किया है तो आपके लिए लाइबिलिटी बनती है ठीक है और क्रेडिट साइड पे लेस हो जाएगी सिंपल है ना अब है का ट्रीटमेंट कैसे होगा देखिए व्यवसाय में स्थायी संपत्तियों पे निरंतर से उनके संपत्ति, संपत्ति जो होती है उनके मूल्य में कमी आती है तो उनको ही हिरास कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप कोई मशीन यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें टूट फूट होती है ठीक है या फिर उसकी जो भी कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है तो उन सब कि में कमी आने में उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है संपत्ति के तो वही हमारी ह्रास कहलाती है तो ये क्या है हमारे लिए क्या है लॉस है तो लेस होगा सेट साइड साइड में में और डेबिट दिखाया जाएगा क्योंकि डेबिट साइड में क्या होते हैं एक्सपेंस एक्सपेंस अब लॉस है तो ये हो गया ठीक है अब पूंजी पर ब्याज देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों की सेपरेट एंटिटी होती है सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी सेपरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से कैपिटल पर आ, क्या है इंटरेस्ट यहाँ पे पेमेंट करनी होती है व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी को एक प्रकार का ऋण मानकर ब्याज प्राप्त करना ही पूंजी पर ब्याज कहलाता है यानी कि हमें व्यापार को क्या है ब्याज देनी पड़ेगी पूंजी पर तो व्यापार के लिए क्या हो गया ये व्यापार के लिए ये एक तरह से खर्चा हो गया यानी कि हमारे लिए खर्चा है तो एड होगा लाइबिलिटी साइड में और डेबिट साइड में दिखाया जाएगा पी पीएनडल अकाउंट में क्योंकि ये क्या है हमारे लिए खर्चा फिर है यहाँ पर हमारा आहरण पर ब्याज आहरण पर ब्याज यानी कि ड्रॉइंग्स पे जब भी व्यापारी व्यापार से कोई माल निकालता है तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है तो ये क्या है यहाँ पर जब वो इंटरेस्ट पे करेगा तो यहाँ पर ये उसके लिए क्या हो जाएगा अगेन ये उसके लिए यहाँ पर खर्चा हो जाएगा ठीक है देखिए लायंस इन लायबिलिटी साइड एंड क्रेडिट साइड इन पी एंडल अकाउंट ठीक है अब है यहाँ पे अशोध्य ऋण मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि जितने भी देनदार हैं हमारे वो हमें सारा पैसा दे दें तो कुछ देनदार ऐसे होते हैं जो हमें पैसा नहीं दे पाते हैं तो ऐसे पैसे हमारे किस में चले जाते हैं डूबर ऋणे अशोध्य ऋण में चले जाते हैं तो ये हमारे लिए क्या है खर्चा है तो असेट साइड में क्या है डेटर्स में से माइनस किया जाता है क्योंकि अब वो डेटर्स उतने अमाउंट से कम हो गया और ये खर्चा है तो पी एंडल अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाया जाएगा नेक्स्ट है अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान या आयोजन कुछ देनदार संदिग्ध प्रतीत होते हैं जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वे भुगतान करेंगे या नहीं इसलिए देनदारों के लिए पहले से किया गया प्रावधानी अशोध्य

खर्चा है ये हमारा तो डेबिट साइड में दिखाया जाएगा एंडल अकाउंट में फिर है देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान अब देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान अब देनदारों को एक निश्चित अवधि में भुगतान करने के लिए दी जाने वाली नगद छूट यानी कि आप देनदारों से कहते हैं कि मुझे इतने तारीख तक पेमेंट दे दीजिए और अगर आप इतनी तारीख तक पेमेंट देते हैं तो मैं आपको कुछ छूट दूंगा तो ये एक तरह से चलो आपको पेमेंट मिल रहा है लेकिन खर्चा तो है ही आपका क्योंकि आप छूट दे रहे हो तो उतने अमाउंट से आपका डेटर्स कम हो गए तो लेस करा जाएगा और ये आपका खर्चा है क्योंकि इसलिए यहाँ पर हमारा लॉस है आपका इसलिए ये टैबिट शैड में दिखाया जाएगा ठीक है यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं सबको कोई डाउट है प्लीज कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हम अभी कंटिन्यू करेंगे या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है लेनदारों पर छूट के लिए प्रावधान जिस प्रकार देनदारों को छूट दी जाती है उसी प्रकार लेनदारों से छूट प्राप्त होती है यानी कि हम उनसे कहते हैं कि यानी कि अगर कोई लेनदार को हम देते हैं तो वहां पर भी हमें छूट मिलती है तो ये छूट हमारे लिए क्या है असेट्स की तरह है तो लाइबिलिटी साइड से यहाँ पर ये लेस हो जाएगी और क्रेडिट साइड में दिखाई जाएगी सेम वही ट्रीटमेंट है बस यहाँ पे जो आप ट्रीटमेंट देनदारों के लिए करते हैं वही यहाँ पर होगा लेकिन क्या होगा रिवर्स में होगा ठीक है अब है अंतिम रहती वर्ष के अंत में जो माल बिकने से रह जाता है उसे क्या कहते हैं अंतिम रहतिया कहते हैं और ये अंतिम रहतिया हमारा किधर दिखाया जाता है ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा पीएनडल साइड में और असेट साइड में दिखाया जाएगा बैलेंस शीट के ठीक है अब है अंतिम रहतिया के मूल्यांकन की विधियां अंतिम रहतिया के मूल्यांकन की कुछ महत्वपूर्ण विधियां जैसे कि लागत मूल्य विधि यह विधि माल की लागत के आधार पर की जाती है इस विधि के अंतर्गत रहते का मूल्यांकन तीन प्रकार से किया जाता है यानी कि लागत मूल्य में भी हम तीन विधि फॉलो करते हैं अब वो कैसी कैसी हैं पहले आना पहले जाना यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में यहाँ पर देखिए आप इस विधि के आधार पर जो माल पहले किया जाता है या फिर जो पहले निर्मित किया जाता है उसे पहले बेच दिया जाता है यानी कि पहले आया पहले गया अंत में शेष बचे माल का मूल्यांकन अंतिम रहते के मूल्य में किया जाता है यानी कि बाजार मूल्य और लागत मूल्य जो भी कम हो ठीक है इस विधि को फीफो के नाम से भी जानते हैं यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिंपल है अब देखिए विधि पर आइए जो कि हमारी अंत में आना पहले जाना यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट अब देखिए इस विधि के आश्रय सबसे बाद में क्रय किए गए माल को सबसे पहले विक्रय करने से है और जो शेष माल को अंतिम रहते के रूप में मूल्यांकित किया जाता है इस विधि को लास्ट इन फर्स्ट आउट बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है सर्वोच्च आगम प्रथम निर्गम विधि सर्वोच्च आगम प्रथम निर्गम हाईएस्ट इन फर्स्ट आउन मेथड अब देखिए हाईएस्ट इन फर्स्ट आउन मेथड के अंतर्गत यहाँ पर जो जिसका अमाउंट सबसे हाई होगा उसको पहले निकाल दिया जाता है और बाद में जो भी माल बचता है वो सबसे पहले जो बिक्रय किया जाएगा उस एवं अंत में शेष बचे माल का अंतिम मूल्यांकन यानी कि अंत, जो बाद में माल बचेगा उसका अंतिम रहतिया के मूल्य के रूप में ज्ञात किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट है औसत लागत विधि यानी कि अब ये दूसरा मेथड है इस विधि में औसत लागत मूल्य पर आधारित होती है यानी कि औसत प्राइस निकाल लिया जाता है उसके मूल्यांकन पर किया जाता है ये दो तरह से होता है अब ये कौन-कौन से हैं फर्स्ट है हमारा सामान्य औसत मूल्य विधि इस विधि के अंतर्गत माल के निर्गमन उपलब्ध माल के औसत मूल्य पर किया जाता है यानी कि एक एवरेज प्राइस निकाल लिया जाएगा औसत मूल्य की गणना करने के लिए उपलब्ध माल में से औसत किए गए माल का विक्रय माल की कुल लागत घटाकर शेष राशि शेष माल से विभाजित करते हैं यानी कि टोटल आप निकाल लेंगे फिर उसके बाद जो विक्रय की कुल लागत होगी उससे घटाकर शेष को माल से विभाजित कर देंगे तो इस तरह से सिंपल एवरेज प्राइस मेथड निकाल लिया जाता है ठीक है इसमें सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो इन दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा नेक्स्ट है भारी औसत मूल्य विधि यानी कि वेटेड एवरेज प्राइस अब इस विधि में क्या होता है औसत मूल्य ज्ञात करने के लिए जो भी उपलब्ध माल की मात्रा होती है उसकी कुल लागत को विभाजित कर देते हैं इस प्रकार सबका क्या है एक भारी औसत मूल्य निकल आता है यानी कि वेट निकल आता है सबका टोटल से जो इंडिविजुअल है उसको निक, उससे निकालते हैं तो यहाँ पे एक वेटेज एवरेज निकल कर आ जाता है जिसके बेसिस पर फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है ठीक है अब देखिए एक शॉर्ट नोट भी है ये आप नोट कर लीजिए ये एग्जाम में पूछी जा सकती है कि संपत्तियों के कितने प्रकार हैं? तो देखिए स्थायी और अचल संपत्ति होती है अस्थायी और चल संपत्ति होती है तरल संपत्ति होती है छय और नाशवान संपत्ति होती है अवास्तविक और काल्पनिक या नाम मात्र की संपत्ति होती है मूर्त अमूर्त एंड संभाव्य टोटल ये संपत्तियों के नाम है तो नोट कर लीजिए इनका मीनिंग वैसे आप सबको पता होगा नहीं पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा टेलीग्राम पर मैं आपको बता दूंगी मैं यहाँ पर नहीं बता रही हूँ क्योंकि बस सब कुछ मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ आपको पता होगा नहीं पता है तो प्लीज टेलीग्राम पर बता दीजिएगा मैं वहां पर आपको बता दूंगी ठीक है फिर अब दायित्व देख लीजिए स्थायी दायित्व अस्थायी चल चलू या अल्पकालीन दायित्व और संभाव्य दायित्व ठीक है और पूंजी के प्रकार देख लीजिए तो स्वामी की पूंजी व्यापार पूंजी स्थायी पूंजी चालू या चल पूंजी ऋण पूंजी कार्यशील पूंजी वह देख लीजिए तो वह हमारे तीन तरह के होते हैं पूंजीगत तो व्य यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के जो जो हम लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देते हैं आयगत या व्यापारिक व्यय यानी कि रेवेन्यू जो डे टू डे खर्च होते हैं स्थगित आयगत तो व्य डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो की दस से पंद्रह साल तक के होते हैं और इनको राइट ऑफ हम धीरे धीरे करते हैं ये वो होते हैं ठीक है तो ये थी हमारी वीडियो आज की अंतिम खाते हमारे ख़त्म हो गए सेकंड चैप्टर हमारा फिनिश हो गया होप आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी के साथ तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय